सो फॉकलैंड आइलैंड जो है बेसिकली, ये अभी ही न्यूज़ में था जब रायसीना डायलॉग हो रहा था, उसी के पास आसपास में, उससे पहले थोड़ा सा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये पहले तो फॉकलैंड आइलैंड है कहाँ पर ये जान लो, क्योंकि आप लोग नाम ही नहीं सुने हो, तो मैं बताता हूँ ब्रीफली। आपको पता होगा यहाँ पर साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकन पता है ना। तो ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर चिली है, चिली, ठीक है, कंट्री का नाम है, और इधर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, राइट। तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना है, यहीं पर छोटे छोटे आर्चिपेलाजो हैं, आर्चिपेलाजो द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं। तो यहीं पर छोटे छोटे, ये यहाँ पर कौन सा ओशन है पता है? अमेरिका के बगल में इस साइड कौन सा ओशन है? अटलांटिक, यस। यहाँ पर अटलांटिक है, और इस साइड कौन सा ओशन है? पैसिफिक है, यस। इधर पैसिफिक और इधर अटलांटिक, ऑफ कोर्स, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, नॉर्थ साउथ, ये तो पता ही है। तो अब यहाँ पर जो साउथ, साउथ अटलांटिक है, वहाँ पर ये इस साइड में जो अर्जेंटीना कंट्री है, तो अर्जेंटीना के से पास में ही थोड़ा सा यहाँ पर छोटे 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 आइलैंड हैं बहुत सारे। और जब बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग आर्चिपेलाजो कहते हैं, ठीक है, द्वीप समूह। यहाँ पर, यहीं पर है ये फॉकलैंड, ठीक है, इसी का नाम है फॉकलैंड, ओके। अब इसमें दो है, एक है इधर वाला, उसको हम कहते हैं वेस्ट, वेस्ट फॉकलैंड, वेस्ट फॉकलैंड, और इधर वाले को ईस्ट फॉकलैंड। मतलब पूरा फॉकलैंड ही है, बस उसी में जो क्या है कि इधर एक ग्रुप है वेस्ट साइड में, उसको वेस्ट फॉकलैंड बोलते हैं, इधर थोड़ा सा ईस्ट साइड में जो है ग्रुप, उसे हम ईस्ट फॉकलैंड कहते हैं। पूरा एक फॉकलैंड आइलैंड है, ओके। अब यहाँ पर, यस, बिल्कुल बिल्कुल तनु, यू आर राइट। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो होना चाहिए तो एक्चुअल में अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना के पास में है, तो अर्जेंटीना कहता है कि ये हमारा, मेरा है, ये मेरा हिस्सा है, मेरी टेरिटरी है। लेकिन एक्चुअल में ये किसके अंडर में है, आपको आइडिया कुछ? फॉकलैंड है किसके अंडर में, या किसके टेरिटरी में आता है, या उस किसकी सरकार के कंट्रोल में है वो? यस तनु, तनु ने सही बताया है, यूके, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम जो आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे आप कहते हो, तो यूके जो यहां पर यूरोपियन कंट्री है, आपको पता है यूरोपियन कंट्री है, आपको पता है कि यूके, हम लोग भी ब्रिटेन के कंट्रोल में थे पहले, 1947 से पहले हम भी ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। तो उसी तरीके से यूके का बहुत सारे जगहों पर अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री, अलग अलग आइलैंड पे कब्जा था, जिसमें से एक ये फॉकलैंड आइलैंड भी है, जो कि आज के डेट में भी यूके के अंडर में भी है। हमें तो आज़ादी मिल गई 47 में, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें से एक फॉकलैंड आइलैंड है, जिसपे कंट्रोल यूके का है, गॉट इट। लेकिन चूंकि ये अर्जेंटीना के पास में है, ठीक है, तो अर्जेंटीना कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा हिस्सा है, इसे रिलीज कर दो, इसे फ्री कर दो, और इसे मुझे दे दो, ठीक है। जैसे हमारे पास, हमारे देखा होगा आप लोगों ने कि इंडिया है, तो इंडिया के बगल में इस साइड में, अब इंडिया का ये मैप है, तो इस साइड में आप लोगों ने देखा होगा इधर लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार। तो उसी तरीके से समझ लो कि ये, हम मान लो कि अर्जेंटीना है, और इधर ये फॉकलैंड आइलैंड है। तो हमने जैसे कहा कि यहां भी पहले ब्रिटिश थी ना ब्रिटिश, तो हमने ब्रिटिश लोगों ने तो रिलीज कर दिया, लेकिन उन लोगों का जो फॉकलैंड आइलैंड है उसको उन लोगों ने रिलीज नहीं किया। वहां पे आज भी यूके गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड गवर्नमेंट वहां पर है, लेकिन अर्जेंटीना को एक्सेप्टेबल नहीं है। और अर्जेंटीना ने इसके लिए ही 1982 में क्या किया, वॉर लड़ा, अर्जेंटीना ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ये फॉकलैंड आइलैंड पे, फॉकलैंड आइलैंड पे क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि 1982 में अर्जेंटीना में जो सरकार थी वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, तो मिलिट्री गवर्नमेंट, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है
कि जब मिलिट्री गवर्नमेंट वहां थी, जैसे कि म्यांमार में आज के समय में मिलिट्री गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर, जो म्यांमार अपना पड़ोसी कंट्री है, तो वहां पर डेमोक्रेसी को हटाकर वहां की मिलिट्री ने कू कर लिया है, ठीक है, तख्ता पलट कर दिया है। उसी तरीके से अर्जेंटीना में 1982 के समय में अर्जेंटीना में मिलिट्री गवर्नमेंट थी और उसने क्या किया, उसने कहा कि ये फॉकलैंड आइलैंड हमें दे दो, वो लोग चूंकि नहीं दे रहे थे और इसलिए उन लोगों ने अटैक कर दिया। वो अलग बात है कि उसमें अर्जेंटीना हार गई थी, ठीक है, अर्जेंटीना वॉज डिफीटेड बाय यूके और फिर यूके ने वापस से यहां पर अपना कंट्रोल रीएस्टैब्लिश कर लिया। ये था 1982 की बात। लेकिन उसके बाद आज 40 साल हो गए, 40 साल हो गया तो रायसीना डायलॉग हो रहा था अप्रैल में, रायसीना डायलॉग से अभी हो रहा था ना, रायसीना डायलॉग मैंने बताया, तो रायसीना डायलॉग से, यस तनु ओवरसीज टेरिटरी है, यस, तो रायसीना डायलॉग से पहले अर्जेंटीना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी आए थे और उन्होंने कहा कि हम यहां पर कैंपेन लॉन्च करेंगे, इंडिया में कैंपेन लॉन्च करेंगे, मुहिम एक लॉन्च करेंगे, और उस क्यों लॉन्च करेंगे, ताकि इंडिया से हमें सपोर्ट मिल सके, जो यूके से लड़ने में हमें इंडिया से सपोर्ट मिल सके, और हम ताकि इससे क्या होगा, अगर इंडिया अर्जेंटीना के सपोर्ट में आता है तो इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है और इंडिया के फेवर में बहुत सारे कंट्रीज हैं और इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है जो कि अर्जेंटीना को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए अर्जेंटीना क्या चाह रहा है कि अर्जेंटीना इंडिया में कैंपेन लॉन्च कर रहा था और यहां पर सपोर्ट मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा था यहां की गवर्नमेंट और यहां की पब्लिक से। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट नहीं किया ओपनली सपोर्ट नहीं किया डिक्लेयर करके। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का यह स्टैंड हमेशा से रहा है कि जो भी कॉलोनी है यूके की या पहले की कॉलोनी है उस कॉलोनी को यूके रिलीज कर दे, ठीक है, क्योंकि हम भी पहले कॉलोनी थे यूके के, ब्रिटेन के कॉलोनी हम भी थे ना, तो हमारा वही स्टैंड है कि जैसे हम कॉलोनी थे तो वैसे जो भी बाकी कॉलोनी थे हमको जैसे रिलीज आजादी मिली वैसे बाकी को भी आजादी मिलनी चाहिए। तो ये हमारा सैद्धांतिक तौर पे प्रिंसिपल रूप से हमारा ये पोजीशन है। लेकिन अगर हम ओपनली अर्जेंटीना को अगर हम सपोर्ट करेंगे इसमें तो क्या होगा, हम यूके के अगेंस्ट में एक तरह से आ जाएंगे और अगर यूके के अगेंस्ट में आ जाएंगे तो यूके भी एक पावरफुल कंट्री है और यूके का सपोर्ट हमें जरूरी है, क्योंकि अगर यूके का सपोर्ट नहीं रहेगा तो भाई आपको पता है कि काफी सारा यूके डेवलप्ड कंट्री है तो वहां से हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमें यूके से चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, तो ये सारा कोऑपरेशन हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये क्रिटिकल सिचुएशन है कि हम किसका सपोर्ट करें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स है, तो ये डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है। आपको ये भी नहीं दिखाना है, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हम बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करेंगे इसको, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि नहीं हम अर्जेंटीना को ओपनली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि हम इस मुद्दे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब आपको ये कहा जाएगा कि आप कोलोनाइजेशन के सपोर्ट में हो। जब आपको, जब यूके ने जब आपको गुलाम बनाया था तब आपको क्या प्रॉब्लम था, तब आप हिस्ट्री में क्यों पढ़ाते हो, आपको हिस्ट्री में यूके ब्रिटेन के खिलाफ में सारी बुराई बताया जाता ना कि ये कॉलोनी है, कॉलोनी उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, उन लोगों ने बहुत सारे अत्याचार किए इंडिया पे, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाता है, तो आप एक तरह से कहते हो कि कॉलोनाइजेशन गलत है और दूसरे तरफ आप अर्जेंटीना को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो एक ये प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम कि हम अगर यूके के अगर अगेंस्ट में चले जाएंगे तो हमें चाइना के अगेंस्ट में यूके वगैरह का भी सपोर्ट चाहिए, यूके का, यूएस का, फ्रांस का, हमें सपोर्ट चाहिए ना चाइना के खिलाफ में। तो ये प्रॉब्लम है, ये डुअल प्रॉब्लम है और ऐसे रियल प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट्स के सामने आते रहते हैं और आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, क्योंकि कि आपको क्या स्टैंड लेना है। जैसे कि रसिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है इस समय, तो रसिया यूक्रेन के क्राइसिस में हमने क्या किया, हमने ना तो यूक्रेन का साइड लिया ना तो रसिया का साइड लिया, हमने क्या किया है, एब्सटेन किया है, हम कहीं भी वोटिंग करते नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड और जब आप सर्विस में जाओगे तो आपके सामने ऐसे रियल लाइफ चैलेंजेस आएंगे और आपको ये सारी हिस्ट्री पता होना चाहिए, तब जाके आप स्टैंड ले पाओगे और तब जाके आप मिनिस्टर्स को एडवाइस कर पाओगे, क्योंकि मिनिस्टर्स आपके एडवाइस पे ही काम करेंगे, राइट। तो इसलिए इसका, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हुआ क्या था कि थोड़ा सा हम ब्रीफ में बस जान लेते हैं, आपको पता है कि जो अमेरिका जो था, अमेरिका कॉन्टिनेंट, उस पर
किसका मेनली, कौन सा कंट्री था या कौन सा एम्पायर था जिसका कंट्रोल था उस पे। जैसे हमारे पास इंडिया का, अगर यूरोप से कोई कंट्री सबसे पहला कौन सा कंट्री के लोग आए थे, यूके वाले आए थे, ब्रिटेन के लोग आए थे, फ्रांस के लोग आए थे, फ्रेंच आए थे, कौन आया था, फ्रेंच आए थे सबसे पहले, पोर्चुगीज आए थे, राइट। आप पता होगा आपको 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा 1498 में आया इंडिया, कैलिकट पे, ठीक है, साउथ इंडिया में। लेकिन उससे पहले 1492 में स्पेन, पुर्तगाल के बगल में ही स्पेन कंट्री है एक, और स्पेन से कौन एक आदमी था जो कि गया था, जो निकला था तो इंडिया आने के लिए, लेकिन वो पहुंच कहीं और गया था, नाम पता है, कोलंबस, यस कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन का था, वो निकला इंडिया का रूट खोजने के लिए, लेकिन वो पहुंच कहां गया, अमेरिका, ठीक, 1492 में। अब हुआ क्या कि वो वहां पर अमेरिका कुछ पहुंच गया और उसको क्या कह दिया, उसको लगा कि यही इंडिया है, उसको लगा यही इंडिया, इसलिए उसने नाम वेस्ट इंडीज रखा। आपको पता होगा जो कैरेबियन आइलैंड्स है उसको हम वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, तो उधर वेस्ट इंडीज हो गया। और इस सारे आइलैंड्स पे धीरे धीरे क्या हो गया कि स्पेन का कब्जा होते गया, क्योंकि स्पेनियन वहां पहले पहुंचे और पुर्तगाल वाले पीछे नहीं रहने वाले थे, उन लोगों ने भी खोज करना शुरू किया वापस से इंडिया का, क्योंकि उनको इंडिया से बिजनेस करना था। तो उन लोग खोज करते हुए वास्को डी गामा 1498 में पहुंच गया इंडिया। तो अब उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, स्पेनिश एम्पायर एंड पुर्तगाल एम्पायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसका जो मेजर हिस्सा है वो स्पेन के पास रहेगा, और जो इंडियन जो हिस्सा है और या इस साइड का वो पुर्तगाल के पास रहेगा। इस तरीके से उनका एग्रीमेंट हो गया था। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो लैटिन अमेरिका है या साउथ अमेरिका है या जो अमेरिका है, यहाँ पर स्पेनिश एम्पायर का कब्जा था। ओके, जैसे हमारे पास पुर्तगाल था, फिर पुर्तगाल के बाद फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, इस तरीके से आते गए, लेकिन यहाँ पर मेनली स्पेनिश का था। अब स्पेनिश तो आ गए, फिर यहाँ पर लेकिन ब्रिटिश भी आए। ऐसा नहीं होता था कि एक जन पहुंच गया तो उसके बाद दूसरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता था। जैसे हमारे यहाँ पर पुर्तगाल आए, उसके बाद फ्रेंच भी आए, ब्रिटिश भी आए, डच भी आए, जो पावरफुल रहेगा वो वहाँ पर बचेगा, ये पहले होता था। तो उसी तरीके से यहाँ स्पेनिश आए, फिर ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे वो लोग आपस में, और ऐसे ही लड़ते लड़ते लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में जो फॉकलैंड आइलैंड है उसके ऊपर यूके का कब्जा हो गया। ठीक है, लास्ट में यूके का कब्जा रहा फाइनली, और यूके ने इसको कंट्रोल, अर्जेंटीना को तो आजादी मिल गई, अर्जेंटीना को तो बाद में ओवर अ पीरियड टाइम आजादी मिल गई, लेकिन फॉकलैंड आइलैंड को यूके ने रिलीज नहीं किया, यूके ने फ्री नहीं किया, और ये जो है अभी भी ओवरसीज टेरिटरी है यूके का। और यहां पर उन लोगों ने क्या किया है कि वहां पर इलेक्शन करवा के और वहीं के लोगों की सरकार बनवाई है, लेकिन उसका जो मेन कंट्रोलिंग है वो मेन कंट्रोलिंग वो यूके के पास है अभी भी। यहां पर एयरफोर्स का बेस है, यूके एयरफोर्स का बेस है यहां पर अभी भी। ठीक है, यहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यूके के, यूके पार्लियामेंट से बिना पूछे कुछ पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है वो कानून नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंट्रोल अभी भी यूके के पास है, और अर्जेंटीना डिमांड करता है कि हमें चाहिए, तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। और अर्जेंटीना इसी क्रम में इंडिया के पास आया और इंडिया से सपोर्ट मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया के पास ये डायलेमा है कि सपोर्ट करें या ना करें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये पोजीशन लिया कि हम इसे अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं करेंगे, दो हम प्रिंसिपली ये सपोर्ट करते हैं कि कॉलोनी नहीं होना चाहिए, सारी कॉलोनी को फ्री करना है, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ओपनली अर्जेंटीना को सपोर्ट इस मुद्दे पे नहीं किया है, ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, ताकि यूके नाराज ना हो जाए, क्योंकि यूके से हमारा अभी आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है इस ईयर के एंड तक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फॉकलैंड आइलैंड है, और अब फॉकलैंड आइलैंड का लोकेशन आपको एग्जाम में आता है, फॉकलैंड आइलैंड कहां पर है, किससे रिलेटेड है या किस कंट्री के डिस्प्यूट में है, ये आपको आ जाएगा। तो अगर आप फॉकलैंड आइलैंड के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो आप क्या लिखोगे। तो इसीलिए ये याद रखना कि फॉकलैंड आइलैंड का जो डिस्प्यूट है वो किस किस कंट्री के बीच में है, अर्जेंटीना और यूके के बीच में, ये दो कंट्री का नाम याद रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स आपको पढ़ने होंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में आएगा, आते रहेगा, ऐसे हर कुछ दिन पे आएगा कुछ, तो आपको ये सब चीज़ें जैसे जैसे न्यूज़ में आता है वैसे वैसे ही आपको याद रखते जाना है, क्योंकि एक साथ ईयर एंड पे सारे आप नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा फॉकलैंड आइलैंड। और एक और चीज,
इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट जल संधि कौन सा है, यहां पर ना एक ऐसा ऐसा पैसेज है, यहां पर ऐसा स्पेस है, ठीक है, वाटर बॉडी है यहां पर साउथ में, क्या नाम है उसका, कुछ नया आइडिया है आप लोगों को? यस प्रसून, बिल्कुल सही, प्रसून ने सही बताया था, तो उन्होंने भी सही बताया था, बताओ। ये जो साउथ अमेरिका में एक स्ट्रेट है जल संधि जिसे हम कहते हैं, वो कौन सा स्ट्रेट है? एग्जाम में स्ट्रेट भी आ जाते हैं क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है, जैसे अपने इंडिया में है पाक स्ट्रेट है इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो वैसे ही वहां पर है स्ट्रेट। यस प्रसून, बिल्कुल सही, ठीक है। मैगेलन, मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन स्ट्रेट, ठीक है, इसका नाम है। ये जो है ये किसे कनेक्ट करता है, यहां पर जो है ना साउथ अमेरिका के बीच में यहां पर छोटा सा वाटर बॉडी है ऐसा ब्रिज टाइप का, और ये क्या करता है, स्ट्रेट का आपको मतलब पता ही है, स्ट्रेट बेसिकली कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, ठीक है, एंड इट सेपरेट्स टू लैंड मासेस, ठीक है, याद रखना स्ट्रेट का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज वे ऑफ वाटर बॉडी और विच कनेक्ट्स, ये जो है ये कनेक्ट करता है टू वाटर बॉडीज को और सेपरेट करता है टू लैंड मास को, भूभाग को, दो भूभाग को सेपरेट करेगा और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा, ठीक है, कभी भी स्ट्रेट को आइडेंटिफाई करना है तो ये चीज याद रखना। तो आप देख सकते हो कैसे किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ये अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट कर रहा है, तो आप यहां पर लिख लेना इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है और सेपरेट किसको करेगा, ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका में ही, इधर चिली है इधर अर्जेंटीना है, तो उधर ऊपर भी चिली अर्जेंटीना है और नीचे भी चिली अर्जेंटीना है, ठीक है, कोई डाउट है, क्लियर हो गया। अब ये क्या था कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि ये पहले ट्रेड रूट हुआ करता था, जैसे कि यहां पर ये तो अमेरिका है इधर और इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका, तो अगर इधर से इन लोगों को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाना है इन लोगों को, तो यहां से शिप जो होती थी, जो मर्चेंट शिप होती हैं जो बिजनेस की, वो सारी यहां से जाती थी इस रूट से, ठीक है, जैसे मलक्का स्ट्रेट से जाती है इंडियन ओशन में, उसी तरीके से यहां से जाती थी, लेकिन ये रूट लंबा पड़ता था क्योंकि यूएस ऊपर है, यहां पर यूके है, तो अगर इन लोगों को इस पार जाना है तो ये पूरा इनको घूम के इसे नीचे से जाना पड़ता था, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहां पर सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है पनामा, सुना है पनामा, तो पनामा यहां पर है, पनामा सेंट्रल अमेरिका में, हाँ जी, तो पनामा कनाल बना दिया इन लोगों ने, क्या बनाया, पनामा कनाल, कनाल मतलब नहर जो बनता है ना, तो पनामा कनाल यहां पर इन लोगों ने नहर बना दिया, नहर बना के ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर दिया, ताकि ये जो शिप्स है ये शिप्स को यहां से ना घूम के जाना पड़े, ये यहीं से चले जाए, तो इससे क्या हो गया, जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जो इन लोगों को पूरा नीचे से घूम के जाना पड़ता था वो अब ऊपर से ही पनामा के से ही होके जा सकते हैं, समझ रहे हो, तो ये याद रखना। अब इसलिए मैगेलन स्ट्रेट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो गया पनामा कनाल के बनने के बाद से, 1914 में पनामा कनाल बना, अमेरिका ने बनवाया था, लेकिन अब वो पनामा के अंडर में आता है, ओके, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूं, इतना सारा चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि यहां पर मैगेलन स्ट्रेट है, मैगेलन स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन एंड
पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, साउथ अटलांटिक एंड साउथ पैसिफिक। एंड देन पनामा कनाल है जो कि मैगलन स्ट्रेट से जो बिजनेस होता था वो बिजनेस अब पनामा कनाल से होता है। कनाल हमेशा आर्टिफिशियल होता है, याद रखना। कनाल क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है, उसे आदमी बनाता है, पता है ना आपको? आप लोगों के भी कहीं जहां भी होगा आप लोगों ने नदी वगैरह पे कनाल बनता है। तो ये हमने बनाया है, ये यूएस ने मेनली बनाया है बेसिकली, और ये तो नेचुरल होता है स्ट्रेट, कोई डाउट? और फॉकलैंड आइलैंड आपको पता ही है कहां पर है, अर्जेंटीना के पास में है, ये याद रखना, अर्जेंटीना के पास में है। जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। ओके, लिख दूं या लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया ना, कोई डाउट? ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बताओ, प्रसून, तनु, मुनीस, आदर्श, ये सब बताओ, कोई डाउट है? अरे एसी बंद है क्या? एसी बंद है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन ब्राजील एंड अर्जेंटीना। मैगलन स्ट्रेट कनेक्ट्स साउथ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर और इज करेक्ट? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन। बताओ, ओनली टू, बाकी लोग बताएं, सभी लोग? ओके, ऑनलाइन वालों क्या आ रहा है? प्रसून, तनु, सबने बी बताया है। ठीक है, लेट्स सी। फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन ब्राजील एंड अर्जेंटीना, इट इज बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। ठीक है, मैगलन स्ट्रेट कनेक्ट साउथ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन, इट इज करेक्ट। ठीक है, और क्या पूछा है? करेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना, यहां पर ये वर्ड्स ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहां पर आप गलती कर सकते हो और यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं जल्दी में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं मालूम है? करेक्ट होते हैं, करेक्ट, यहां पर क्वेश्चंस में करेक्ट पूछता है मेजॉरिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस में, और आप लोगों को एग्जाम में जल्दी जल्दी करना होता है तो आपको करेक्ट करेक्ट करने का आदत होता है, और बीच में कहीं पे एक इनकरेक्ट पूछ देता है, और आप 20 क्वेश्चन लगातार करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हो तो
तो आप जो 21वां क्वेश्चन होता है वो भी अगर इनकरेक्ट भी लिखा है तो आप उसको करेक्ट पढ़ते हो, क्योंकि आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो कि यहां पे तो करेक्ट ही पूछा होगा, तो ऐसे गलती हो जाती है और ऐसे बहुत से लोग गलती करते हैं। तो करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ 2, तो इसलिए बी। क्लियर? यस। चलो आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक सो आज का लास्ट टॉपिक है और एक और चीज याद रखना, फॉकलैंड आइलैंड जो है, फॉकलैंड आइलैंड यूके में बोला जाता है, मतलब यूके वाले इसे फॉकलैंड आइलैंड कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है जो ये फॉकलैंड आइलैंड है ये यूके वाले कहते हैं, यूके वालों इसे इस नाम से कहते हैं, लेकिन अर्जेंटीना वाले इसे कहते हैं मालविनास इस्लास। ठीक है, मालविनास इस्लास। जो इस्ला होता है बेसिकली, इस्ला इज नथिंग बट आइलैंड को ही इस्ला बोलते हैं, स्पेनिश वर्ड है ये। ठीक है, स्पेनिश वर्ड में आइलैंड को इस्ला बोलते हैं। ठीक है, और ये है, इसे अर्जेंटीना वाले कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मालविनास आ जाएगा तो आप बोलोगे ये कहां से आ गया। गॉट इट? तो ध्यान रखना, आपको दोनों नाम याद रखना है, मालविनास इस्लास या मालविनास आइलैंड नोन बाय अर्जेंटीना और फॉकलैंड आइलैंड यूके पीपल। ओके?